हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और सुबह के बज गए हैं 6। मैं बना रही हूँ नाश्ता एंड साथ में बच्चों का टिफ़िन। तो आज अर्ली मॉर्निंग में बना रही हूँ डोसा, तो बच्चे डोसा खा के जाएंगे एंड साथ में टिफ़िन भी लेके जाएंगे। तो ये जो डोसा का बैटर है, ये हम रेडीमेड लेके आए थे लुलू हाइपरमार्केट से जब हम शॉपिंग गए थे फ्राइडे के दिन। एंड साथ में चाय भी बन रही है। मेरे हस्बैंड हमें जगाने के लिए उठे थे और फिर जाके सो गए क्योंकि आज उनका छुट्टी है। तो आदित्य रेडी हो गए स्कूल के लिए और अभी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं यहाँ बैठ के। 3-4 डोसा रेडी हो गए थे तो मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया है। कभी कभी बच्चे टिफ़िन डिस्पोजेबल बॉक्स में लेके जाते हैं। साथ में मैंने सॉस के पैकेट रख दिए हैं क्योंकि स्कूल में ये लोग कोई सब्ज़ी नहीं लेके जा रहे हैं। डोसा खाएंगे सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कीजिए। तो साथ में गुड्डे बिस्किट और एक चिप्स का पैकेट भी लेके जाएंगे। भरत आ चुके हैं और रेडी भी है स्कूल के लिए और ये भी यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। तो थोड़ा सा डोसा बैटर बच गया था तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसे भी बना के रख देती हूँ। बाद में मेरे हस्बैंड उठेंगे तो फिर हम इसे गर्म करके खा लेंगे ब्रेकफास्ट में। तो सारा टिफ़िन पैक हो चुका है और अब हम वेट कर रहे हैं बस वाले के लिए, बस वाले अंकल के लिए। एंड चाय भी रेडी है तो साथ में मैं चाय भी पी लूँगी अपना मॉर्निंग का। तो इस तरीके से मेरे बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं और फ़ोन आ चुका है और ये लोग अभी स्कूल जाने के लिए रेडी भी हैं। तो अभी ये लोग निकल चुके हैं स्कूल के लिए। टाइम हो गया है 6:45। कुछ पैसे भूल गए थे जो उसे क्लास में सबमिट करने थे तो वो वापस आए थे। एंड अब बाहर देखेंगे, सनराइज हो चुकी है 6:45 को और मौसम काफ़ी ठंडा भी है अभी। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30 और हम लोग 10 बजे उठ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। एंड उसके बाद नहाना, घर का सारा काम लाइक क्लीनिंग कर लिया था और खाना भी रेडी कर लिया था क्योंकि खाना रेडी हो गया था। तो हम दोनों अभी अपना लंच कर रहे हैं। आज खाने में बना था मटन एंड चपाती और राइस। तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं मटन करी एंड राइस और मैं खा रही हूँ राइस, मटन, चपाती एंड मटन में मैंने एक पोटैटो भी बॉईल कर लिया था तो वो खाने वाली हूँ मैं। बच्चे अभी तक स्कूल से आए नहीं हैं एंड क्योंकि अभी ठंड का सीज़न भी है, खाना भी रेडी हो गया था तो हम लोग दोनों खाना खा रहे हैं। एंड साथ में हमने नेटफ्लिक्स में मूवी भी लगा दिया है तो हम दोनों मूवी भी देख रहे हैं एंड खाना भी खा रहे हैं। तो अभी 2:30 हो गए हैं एंड बच्चे भी स्कूल से आ गए, चेंज कर लिया है उन्होंने और अब मैंने उनको भी खाना गर्म करके सर्व कर किया है। तो मूवी अभी तक फिनिश नहीं हुई थी तो आई थिंक ये सेकेंड मूवी है शायद जो हम लोग देख रहे हैं। तो अब हमारा लंच हो चुका था एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बच्चे बालकनी में खेल रहे थे, हस्बैंड भी खेल रहे थे। एंड देन अभी हम लोग अंदर आ गए तो ये जो फ्रूट मैं लेके आई थी, मैंने सोचा चलो इसको कट करके खाते हैं। तो ये फ्रूट कट करने के बाद अंदर से कुछ ऐसा था, एकदम आई थिंक ऑरेंज जैसा, मौसम भी जैसे, या आप कह सकते हैं कि बड़े साइज़ का लेमन।
इसे मैं कट कर रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ। तो अंदर का जो सॉफ्ट फ्रूट है उसे मैं निकाल के एक बोल में कलेक्ट कर रही हूँ। तो देखने से काफ़ी खट्टा लग रहा है ये, और एक्चुअल में जब हमने इसे खाया था तो बहुत खट्टा था, हमें इतना पसंद नहीं आया ये फ्रूट, लेकिन क्योंकि हम लेके आए थे तो मैंने सोचा चलो फिनिश करते हैं खा के। तो पहले इसे हमने ऐसे क्लीन किया, एंड देन क्लीन करने के बाद पहले हम डिसाइड कर रहे थे कि इसमें हरी मिर्च और धनिया पुदीना सारा कुछ पेस्ट मसाला बना के मिक्स करके खाएंगे, लेकिन हम लोग मूवी देख रहे थे तो कोई भी अंदर किचन में जाने के लिए रेडी नहीं था, तो इसीलिए हमने सॉल्ट और चिली पाउडर इसमें ऐड कर लिया और अब हम इसे खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया ये फ्रूट, और मैंने भरत ने और आदित्य ने खाए। तो आगे के जो क्लिप्स है उसमें आप देखेंगे हमारा रिएक्शन इस फ्रूट को खाने के बाद। तो ये देखिए आदित्य खा रहे हैं, ओह माय गॉड, बहुत ही कैसा था, बहुत ही खट्टा था एकदम, और बच्चे खा रहे थे तो मैं हम लोग बहुत मज़ा कर रहे थे, और हमने डिसाइड किया चलो अपना फेस एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं इस फ्रूट को खा के। तो फिर ये देखिए बहुत ही खट्टा था, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ तो वो टेस्ट फील हो रहा है मुझे, इतना खट्टा था वो, एंड देन स्पाइसेस के वजह से एकदम डिफरेंट टेस्ट हो गया था। अब इवनिंग के बज गए 6:30, आप देख रहे हैं हस्बैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड जो लंच का थोड़ा बहुत बर्तन था उसे मैं धो रही हूँ। आज हमें डिनर नहीं बनाना है घर में क्योंकि हम बाहर से लेके खा लेंगे आज, तो भरत गए हैं डिनर लेने के लिए और साथ में वो जाने वाले हैं लॉन्ड्री में। तो ये वो लॉन्ड्री है जहाँ पर हमारे कपड़े धुलते हैं, यहाँ ये हमारे बिल्डिंग में ही है। तो सारे कपड़े लेके भरत आ गए, खाना लेके भी आ गए थे, अब हम अपना डिनर खाने वाले हैं, और क्योंकि आज वीकेंड है कल ऑफिस है तो फटाफट खा के फिर सोना है हमें। तो हम लेके आए थे क्रिस्पी मील, मेरे हस्बैंड ने बर्गर मील ऑर्डर किया था, आदित्य ने चिकन पीसेस और भरत ने चिकन टेंडर्स, साथ में कोल्सो भी है, एंड देन कुछ सॉसेस भी है, कोल्ड ड्रिंक, बस यही सारा है आज हमारा डिनर। तो हमने साथ मिलके डिनर एंजॉय किया, साथ में हम टीवी भी देख रहे थे, और टीवी में इस मोमेंट में हम देख रहे थे बिग बॉस का एपिसोड। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने संडे बिताया, एंड ये मेरा मील है जो कि है चिकन रैप। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।